हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप COVID-19 पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस समय में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सारे से बड़े छोटे से छोटे सवालों के जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। जितनी भी जानकारी मेरे को है उतनी सारी नॉलेज आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन सी वैक्सीन आपको कब लगवानी है, आपको कितने, अगर आपको होम आइसोलेट होना है तो आपको उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस स्थिति में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, किस चीज़ का कब यूज़ करना है, इन सारे छोटे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को प्लीज़ जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें, और पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो बस इस वीडियो को जितना भी देखेंगे ना, आज मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आप उतनी नॉलेज जरूर लेके जाएंगे, तो हो सके तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने लेके चलता हूँ मैं आपको सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना वायरस हो चुका है या फिर नहीं हुआ। तो इसके लिए आज के समय में आपको मैं दो तीन चीज़ें वो बताने जा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आपको एक नॉर्मल सा सिम्टम है, अगर आपको आज के समय में 3 दिन से बुखार आ रहा है, ठीक है, 3 दिन से बुखार आ रहा है आज के समय में, आप लगा सकते हैं ना, 3 दिन से अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपको COVID-19 हो गया है, ठीक है। 3 दिन से अगर आपका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है, लगातार बस वो बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, और आप अपने शरीर में कमजोरी फील कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपको COVID-19 हो चुका है, ठीक है। और इसकी संतुष्टि कराने के लिए 2 टेस्ट भी हैं, और जो टेस्ट है उनके नाम है, एक तो आपका एक टेस्ट है आपका RT-PCR की, एक RT-PCR टेस्ट है आपका, और दूसरा टेस्ट है आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर हम बात करें हमारे देश में जो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो है RT-PCR टेस्ट को, ठीक है, उसकी रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा आप फिर भी COVID-19 पॉजिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। इसको RT-PCR टेस्ट को हमारे देश में ज़्यादा प्रायोरिटी तो दी जा रही है, लेकिन ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं इसकी जो चांसेस हैं वो 80% कहूँगा। अगर देखिए आपको लगता है आपके शरीर में सिम्टम COVID-19 वाले हैं और आपने RT-PCR का टेस्ट कराया और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन बाद फिर से एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रही है तो ठीक है, अगर दूसरी बारी में भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपको समझ जाना है कि हाँ आपको कोरोना हो गया है। क्योंकि ये हर बार जो इतने सारे सैंपल लिए जाते हैं, एक का दुक्का जो आपका है वो इधर से उधर हो जाता है, इसीलिए आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत भी शो हो सकती है। तो आपको 2 टेस्ट तो जरूर कराने हैं, ठीक है, और टेस्ट RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट आप करा सकते हैं, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा, और आपको आज के समय में 3 दिन से बुखार आ रहा है और वो आपका बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, तो आपको मान लेना है कि हाँ भाई हमें कोरोना वायरस हो चुका है। दूसरा सवाल अब लेके चलता हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कौन सी वैक्सीन लगवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज के समय में, क्योंकि अभी तक हमारी देश की आधी से ज़्यादा आबादी तो ऐसी है जिनको कोरोना नहीं हुआ है, तो उनके मन में ये सवाल तो जरूर है कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। अब इसका जवाब आपको ध्यान से सुनना होगा। तो गाइस करंट टाइम में हमारे देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक है आपकी कोवैक्सीन और दूसरी है आपकी कोविशील्ड। अब इस समय में अगर मैं बात करूं हमारी देश की आबादी को देखते हुए, आपको जौन सी भी वैक्सीन लग जाए ना आप लगवा लीजिए, क्योंकि ये भी नहीं पता आपका नंबर फिर कब आएगा। अगर आपको चांस मिल रहा है कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन लगवाने का, तो आपको वो मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वैक्सीन आपको तुरंत ही लगवा लेनी है। क्योंकि वैक्सीन लगवाने से जो आपकी संक्रमण दर है ना वो कम से कम 80% घट जाएगी। अगर मान लीजिए, ये मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपने आज वैक्सीन लगवा ली फिर आपको कोरोना वायरस कभी नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन फिर अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया ना, उस स्टेज पे नहीं होगा कि आपको ICU की नौबत आ जाए, ठीक है, आपको इतनी गंभीर स्थिति आपकी कभी नहीं होगी अगर आपने आज COVID-19 की वैक्सीन लगवा ली, चाहे फिर वो कोविशील्ड लगवाएं या फिर कोवैक्सीन लगवाएं। अगर आपको चांस मिलता है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल के ऊपर। तो तीसरा सवाल है हमारा, पॉजिटिव होने पर क्या करें। तो देखिए अगर आपने COVID-19 का टेस्ट कराया RT-PCR, आपकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव आ गई, ठीक है, अगर आप में आपको लगता है थोड़े से माइल्ड सिम्टम है, सबसे पहले आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कमरे में आपको खुद को आइसोलेट कर लेना है, दूसरों से बिल्कुल खुद को अलग कर लेना है, कुंडी लगा के मतलब ताला लगा के लॉक कर लीजिए अपने आप को एक कमरे में। अब दूसरा, बाहर निकलने का, अगर मान लीजिए आपको फिर भी कोई इमरजेंसी है आपको बाहर निकलना ही है, तो आप 2 मास्क पहनिए, 2 मास्क को आप अपने आप को बिल्कुल ढंग से कवर करिए, ताकि आप, और अपने हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए आपका, ताकि किसी से संपर्क भी हो तो दूसरों को ना हो सके। तीसरी चीज़,
घर के बाकी मेंबर का भी आप टेस्ट करवाएं, कोरोना का टेस्ट करवाएं, अगर उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है फिर तो आप लोग एक साथ रह ही सकते हैं। अगर आपके घर के बाकी मेंबरों की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, सिर्फ आप ही की रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो एक कमरे में खुद को आइसोलेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक दिन में अपना 4 बार बुखार चेक करना है। किससे? थर्मामीटर से चेक करना है। अगर आपका बुखार 100 से ऊपर आता है, ठीक है, 100 से ऊपर आता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही एक PCM ले लेनी है, पैरासीटामोल की एक टैबलेट ले लेनी है, और आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट दिन में 4 बार ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आपका बुखार 100 Fahrenheit से ऊपर जाता है तब आप PCM ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, एक होता है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो गाइस पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, जो आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन नापता है, ठीक है। ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आराम से इजीली मिल जाएगा 1500 रुपये तक का, और ये इस टाइम पे होना आपके घर में ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अगर सुनिए, अगर आपकी बॉडी में जब आप इसे लगाते हैं अपनी फिंगर में, ठीक है, अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर दिखा रहा है, 94 से ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 94 से ऊपर शो कर रहा है, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है आप लोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर 94 से ऊपर शो करता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे शो करता है तो शायद दिक्कत की बात हो सकती है, उसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना जान लेना है, अगर आपकी बॉडी में पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद आपकी फिंगर में आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94 से ऊपर आती है तो आप लोग एकदम ठीक है। और बाकी आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी आप जान से सुन लीजिए। और गाइस बाकी आप अपना नींबू पानी पी सकते हैं, आइस टी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं पानी में मिला के, आप इन सब चीज़ों को जितना पियेंगे आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, अपनी मॉनिटरिंग करते रहना है, बार बार दिन में थर्मामीटर से बुखार चेक करते रहना है, पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करती रहनी है, और इन सब चीज़ों के बाद 14 दिन के बाद आपको क्या करना है, अपना RT-PCR टेस्ट दोबारा करा लेना है, और अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है आपकी तो आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए और आप अपना काम पे जाना शुरू ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका अगला सवाल, कोरोना के सिम्टम्स आप जानती हैं, ठीक है, बुखार के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स हैं, मामूली सिम्टम्स, अगर वो हो जाते हैं आप लोगों को तो क्या करना है। अगर मान लीजिए बुखार का तो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, अगर गले में खारिश हो जाती है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पानी में नमक डालकर गुनगुने पानी में, ठीक है, गार्गल कर लेना है, ठीक है, और ऐसे में आप सुबह शाम करना है आपको 2 टाइम, ठीक है, पानी में गुनगुने पानी में आपको नमक डालकर गार्गल करना है, और इसके लिए आपका केमिस्ट पे एक बीटा नीम का गार्गल भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, बीटा नीम का आप उसको परचेस कर लीजिएगा, आपको आपके आसपास के केमिस्ट में बड़ा ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके गले में खारिश होती है तो छींक आने पर आपको क्या करना है, एक सेट्रिजिन की एक आपकी टैबलेट आती है 10 मिलीग्राम की, ठीक है, वो आपको रात को सोने से पहले ले लेनी है, आपको रात को सोने से पहले ले लेनी है, सेट्रिजिन नाम की आपकी एक गोली आती है 10 मिलीग्राम की, वो आपको रात को सोने से पहले ले लेनी है अगर आपको बहुत छींक आ रही है तो, ठीक है। चौथी चीज़ आपकी सूखी खांसी है अगर आपको, ठीक है, सूखी खांसी है तो आपको क्या करना है, एक माउंटेड NC की एक गोली आती है वो आपको दिन में ले लेनी है, ठीक है, अगर आपको सूखी खांसी है तो माउंटेड NC की एक टैबलेट आती है आपको वो ले लेनी है आपको। अब अगली, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आपको क्या करना है, तो आपको ब्रोस एडेक का एक सिरप आता है जो आपको दिन में 3 बार ले लेना है 1 चम्मच, ठीक है, दिन में आपको 3 बार ले लेना है 1 चम्मच ब्रोस एडेक का सिरप आता है आपका, ठीक है, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो। और अगर ऐसे में आपको मान लीजिए आखिरी है जो आपका आखिरी सवाल है वो, अगर आपको डायरिया लूज मोशन अगर आपको हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल चीज़ है, आपको ORS डालना है पानी में और उसको मिलाकर पी जाना है आपको, अगर आपको डायरिया या फिर लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। अब इन चीज़ों की तो आप टैबलेट लेंगे, अगर आपको मान लीजिए कोई अलग से पर्सनल बीमारी है जैसे डिप्रेशन है, BP है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो आपको उनकी दवाई नहीं रोकनी है, क्योंकि अगर आप उनकी दवाई रोक देंगे तो शायद वो हो सकता है कि आपकी वो बीमारियाँ हैं वो आपके शरीर में वापस आ जाए, तो आपको वो दवाइयाँ तो चलने देनी है, इनको आपको अलग से अपना ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए गाइस, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, क्या कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोई खून की जांच कराना जरूरी है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको आपके डॉक्टर ना कहें कि हाँ आपको कोई खून का टेस्ट कराना है तब तक आपको कोई भी खून की जाँच खुद से टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको आपके डॉक्टर जवाब ना दे दे कि आपको इस टेस्ट को कराना है तब आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई भी
टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना सीधा पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइज अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन और वो है हमारा किस स्थिति में आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना पल्स ऑक्सीमीटर 94 से नीचे जाए, तो समझ लीजिए अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर आपने अपनी फिंगर में लगाया और उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94 से कम अगर आपको शो कर रही है और आपकी सांस फूलने लगे 93, 92, 91, 90, 89 कुछ भी शो कर रही है और आपकी सांस भी फूलने लग जाती है, तो आपको तुरंत बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और आपको हॉस्पिटल चले जाना है। ठीक है, इस स्थिति में आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना है अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर। अब छठा क्वेश्चन है आपका, क्या संक्रमण के बाद चेस्ट सिटी या फिर एक्सरे कराने की ज़रूरत है? तो देखिए इसका जवाब भी वही है जो चौथे क्वेश्चन का जवाब था, जब तक आपको आपके डॉक्टर ऐसा कुछ ना कहें करवाने के लिए तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है चेस्ट सिटी या फिर एक्सरे कराने की। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने सीधा सातवें क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस हॉस्पिटल आपका सातवां क्वेश्चन है, हॉस्पिटल से इलाज के लिए ज़रूरी सलाह। इस स्थिति में अगर मान लीजिए आप कोविड 19 आपको हो गया था और जैसे आपको मैंने बताया पल्स ऑक्सीमीटर आपकी जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन वो 94 से कम गई है और आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए, तो आपको उस समय क्या करना है, आपको डॉक्टर्स को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना। आपको यूँ नहीं कहना कि हमें रेमडेसिविर क्यों नहीं लग रही, हमें आइवरमेक्टिन क्यों नहीं लगाई जा रही, हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा, क्योंकि आपका डॉक्टर जानता है आपको कब क्या देना है। उसके अलावा आपको डॉक्टर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, इस समय उनके पास वैसे ही बहुत बर्डन है और वैसे भी ये सब पेशेंट टू पेशेंट आपका वेरिएंट करा जाता है कि किस पेशेंट को क्या देना है और कब देना है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने आप से कोई भी सवाल बार बार नहीं करने कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, डॉक्टर्स को काफ़ी अच्छे से मालूम है कब उनको क्या करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन के ऊपर। आठवां क्वेश्चन है गाइज, हमारे संक्रमण के बाद कौन सा दिन आपके लिए सबसे खतरनाक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कोविड 19 का एक जो नॉर्मल पीरियड माना जाता है वो 2 हफ्तों का माना जाता है। ठीक है, तो इन 2 हफ्तों में ही कुछ ऐसे दिन आते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें आपको अपनी कुछ अधिक सेफ्टी रखनी होती है, अपना कुछ अधिक ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो वो कौन सा दिन है? 5 से लेकर 8वें दिन तक आपको अपनी कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, अपनी कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी बरतनी होती है। ठीक है, 5 से लेकर 8वां जो दिन आता है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन 4 दिनों में आपको अपनी कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी रखनी होती है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस जो हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है वो है, क्या एक बार संक्रमण होने के बाद दोबारा संक्रमण हो सकता है? तो इसका जवाब आपका सीधा सीधा है हाँ, एक बार संक्रमण होने के बाद आपको दोबारा कोविड 19 का जो संक्रमण है वो हो सकता है, आपको दोबारा से कोरोना वायरस हो सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए आपको कोरोना वायरस हुआ और आपका एक बार आपका ठीक भी हो गया, फिर आपने क्या करा, आपने मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, 2 गज की दूरी का पालन करना, इन सबको छोड़ दिया, आपने मतलब हल्के में ले लिया कि भाई अब हमारे शरीर में तो एक हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, अब हमें कोई भी डरने की बात नहीं है, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ही आपको दोबारा से कोरोना वायरस हो सकता है। वरना अगर आप अपने सारे प्रिकॉशंस दोबारा वो फॉलो करते रहें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इसी के बाद आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको दोबारा कोरोना वायरस होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतेंगे एक बार होने के बाद भी, तो आपको दोबारा भी कोविड 19 वायरस जो है वो हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपके आज मैंने सारे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जो सवाल थे कोविड 19 से रिलेटेड वो आपको क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाएं, अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें, इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है वो भी उनके मन से निकल सके। और आपको क्या करना है, आपका कोई भी डाउट है आप पर्सनली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भी कोई जानकारी के लिए या फिर और भी कोई टॉपिक है आपके दिमाग में मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।